हाँ जी, सत श्री अकाल सारे भरावां नूं। होर ठीक ठाक जी सब? रंगा जा काम। अज आपां गल करदे आं, अज टॉपिक आपां लै के आए हाँ बई जिहड़ा गबन पशु आ, जदों उहनूं उह ड्राई करना ते उस तों बाद उहनूं आपां सूण तों पहलां तक, डिलीवरी तों पहलां तक की खाद खुराक देनी आ, किवें उहदी सांभ संभाल करनी आ, ये चीज़ां दा थोड़ा जिहा आपां उस गल ते विचार करदे आ। सब तो पहलां तां आपां नूं अपना जिहड़ा पशु आ, पशु धन जो भी अपना गऊ आ, मझ आ, जिवें भी, तां उस दे विच आपां नूं इक चीज़ इह देखणा पऊगा वी पहलां तां कुछ पशु तां अपने आप ड्राई हो जांदे आ, ते जिवें गऊआं ने उहनां नूं ड्राई करना पैंदा, ते मझां अपने आप ड्राई हो जांदियां ने, बहुत घट मझां हुंदियां ने जिहड़ियां नूं ड्राई करना पैंदा। बाकी चलो अज कल्ह कह तां सारे ही दिंदे आ जी, साडी दुध दिंदी सूपी साडी जी, असीं मसां टीके ला के सुकाई, पर चलो ग्राउंड लैवल दीआं गल्लां होर हो जांदियां। हुण आपां गल करदे आं वी पशु नूं पहलां तां गऊ आ चाहे मझ आ, आपां दुधों सुकाउणा, तां सुकाउण दे विच उहनूं टीके लाउण दी बजाए या उहनूं भुखा रखण दी बजाए पहलां तां उहदा हौली हौली जिहड़ा उहदा दाणा हैगा जो आपां फीड पाउंदे आ उहनूं उह घटाओ, उह वी इकदम बंद ना करो। उह 6-7 महीने दे गबण होया पशु तां उहदी उहदा इकदम फीड ना घटाओ, क्योंकि कितें ना कितें उह चीज़ अटैक करदी आ पशु ते जदों आपां उहदी डाइट इकदम रोक दिंदे आ। हौली हौली 5-4 दिनां 'च, हफ्ते 'च उह दाणा घटाओ, उहदे नाल फर्क बहुत पऊगा, दुध दी जिहड़ी स्पीड आ उह घट जाणी आ, ते उह घटण तों बाद दे विच्चों उहनूं जे फिर भी उह दिक्कत दे रही आ तां उहदा हरा चारा भी घटा दो ते सुक्की तूड़ी दी मात्रा उहदे 'च वधा दो। जदों पशु उह सारा कुछ इह करके दुधों ड्राई हो जांदा तां कम से कम 10-15 दिन या कई वारी पशु दी स्पीड ज़्यादा हुंदी आ दुध देण दी, तां उहनूं घट्टो घट 20 दिन तां आपां नूं उहनूं कुछ ना पाओ। 20 दिनां दे विच जिहड़े उहदे अंदरले टिशू कह लो, सैल कह लो, दुध वाले ने उह मुड़ जाणगे, हारमोन कह लो जो भी हैगा उह मुड़ जांदा, ते उहदा लेवा या उहदा जिहड़ा दुध वाला डिपार्टमेंट आ उह रैसट दे विच आ जांदा, ते उस तों बाद पशु नूं फिर तो उहदी डाइट चालू करो। क्योंकि कुछ बंदे आपां नूं आम मिल जाणगे जिहड़े पशु पालक कहिंदे आ जी जदों पशु असीं दुधों छड़ता तां असीं उहदा दाणा बंद कर दिंदे आ, तां उह दाणा बंद नहीं करना चाहीदा। उहदा कारण इह आ वी देखो, जदों इक तां उहदे अंदर इक जान होर पल रही आ, इक शरीर होर आ उसदे अंदर, उहने भी पशु दी जान खिचणी आ, अंदरों डाइट लैणी आपदी, उहने भी ग्रोथ करनी आ, फिर पशु नूं आपदा बैलेंस बनाउण वास्ते भी डाइट चाहीदी आ। असीं उह डाइट बंद करती तां जो पशु ने आपदे अंदर स्टोर करिया होया जो है उह तां बच्चा लै गया, पशु कमज़ोर हो गया, उस तों बाद उहने दुध ते नहीं चलना, क्योंकि पशु अंदरों कमज़ोर हो गया, मशीनरी कमज़ोर हो गई, वजन तां चक्कना हैगा मशीनरी ने क्वांटल दा, असीं उदों बाद दे विच्चों उहदे 'च जान है नहीं गी, असीं उहदे ते फिर डाइट सिटनी शुरू करती बाद दे विच्चों वी दुध देवे दुध देवे, उह दुध देण दी बजाय उह स्ट्रैस मन जांदा पशु, ते पशु दुध ते उन्नी स्पीड नाल नहीं चलदा जिन्नी उहदी कपैसिटी हुंदी आ। इस करके दुध वाला सारी उहदा फीड फार्मूलेशन हैगी आ जिहड़ी, उह रोक के उदों बाद दे विच्चों हरा चारा घटा के तूड़ी ते रख के 15-20 दिनां बाद उहदा फिर तों, जिवें कोई कम से कम जिहड़ी 15-18 किलो वाली मझ आ उहनूं 5-6 किलो फीड तां 5 किलो तां पैणी चाहीदी आ, ते 18-20 किलो वाली मझ हैगी आ तां उहदी 6-7 किलो फीड दोनों टाइम दी सवेरे शाम तां उह चीज़ पैणी चाहीदी आ। हाँ, इस चीज़ दे विच आपां इक खर्चा घटा सकते हाँ भी आपां नूं खर्चे दे विच ऐ ला लो भी देखो जदों पशु दुध दिंदा तां उहनूं प्रोटीन ज़्यादा चाहीदा हुंदा, तां आपां हुण आपां नूं प्रोटीन उन्ना चाहीदा नहीं क्योंकि पशु ने कहिड़ा दुध देना, तां उस गल दे विच इह चीज़ आ जांदी आ भी आपां उहनूं कणक दी जां मक्की दी लेटी दे सकदे हाँ, दलिया कह लो पंजाबी 'च आपां लेटी कह दिंदे हां, वैसे दलिया उह रिन्न के देना,
क्योंकि उसकी क्वालिटी भी सुधरती है तो उसकी ताकत भी उसका एनर्जी लैवल भी बढ़ जाता जो आप काढ़ रिन्न के दें रांध के डालते हैं जब उसको तो उदो ये भी खर्चा अपना देखो घट हो गया नहीं तो फीड महंगी पै जाती है तो एक ये खर्चा घटा तो उस तो बाद उदे विच जे समय की सैटिंग हैगी सर्दियां ने तो आप बाजरा भी बच्चे उदे ऐड कर सकते हैं दे सकते हैं कोई उस चीज़ की दिक्कत नहीं हैगी ये चीज़ा। अच्छा जी खाला देखो टेस्ट लई पशु का टेस्ट बनया हुंदा वो बड़ेवियां की खल खाँदा वो सरों की खल खाँदा तो आप 10% 15% आप खल भी पावे पानी पेगी क्योंकि पशु का टेस्ट बनता दूजे पास दाने तो नहीं लगना उन्हें इस करके इस तरह का उन्होंने 5-7 किलो आपू फीड आ जी दलिया कह लो वह देना पेगा जी गल हूँ। हाँ एक चीज़ ध्यान रखने योग गल है भी ब ज गबण पशु कदे भी कैल्शियम ना दो क्योंकि कैल्शियम हैगा जो कैल्शियम दुध के दुध के कैल्शियम होंदा तो दुध आपने पशु का रोकता ड्राई हो गया तो दुध दे ही नहीं रहा इस करके कैल्शियम वो अंदर आ इनबिल्ट है वो बॉडी के अंदरों ही कैल्शियम ने पैदा होना तो उन्हें दुध के रूप के बाहर कढ़ना हूँ दुध तो लै नहीं रहे है आप कैल्शियम बॉडी ऑटोमैटिक नैचुरल प्रोसैस हैगा उन्हें बॉडी ने बनाई जाना अपने आप अंदर जे कि थोड़ी बहुत घाट बात हो भी जाती है तो जो आप डाइट दे रहे हैं उन्हें उद्देशों ही आपका घर पूरा कर लेना उन्होंने एक्सट्रा तो देने की कोई लोड़ नहीं पशु अपसैट हो जूगा जे तुम एक्सट्रा उन्होंने कैल्शियम देती सून तो पहला इसलिए वो चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना पेगा हूँ। उदू बाद कई पशु एवें होंगे भी आप उस चीज़ वाल कित फीड फार्मूलेशन वाल चले जाने आ दे दो जी आओ दे दो जी या फिर कई फी कंपनियां फीड वाली आई है आई हुई ने ड्राई दे विच आ दे दो आ दे दो। देखो गल्लां कई ये हो जांदियां ने भी जो जो दिखता है वो बिकता है ना जो चीज़ मार्केट च आ गई उन्हें तो बिकना ही बिकना पर चीज़ लॉजिकली घट खरीदी जाती है कोई भी चीज़ असी देखा देखी उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं सो देखा देखी वाले पासे की बजाए जे असी दलिए वल लेटी वल नहीं जा रहे है तो हल्की फुल्की चीज़ जिमें छोलिया का खंडा हो गया या थोड़ी जी उदू सस्ती पै जाती है छोलिया की चूरी हो गई या उदू भी सस्ता छोलिया का छिलका हो गया असी खल दे विच मिला के दलिए दे विच मिला के वह चीज़ उन्होंने दे सकते हैं टेस्ट भी बनया रहू तो जान भी बनी रहती है। सानू पशु के अंदर डब देन दी ड्यूटी बनती है साड़ी डबल क्योंकि उन्हें जदों सून तो बाद उन्हें दुध देना तो पशु के अंदर जान चाहिए ता ही उन्हें दुध नू दुध की स्पीड फड़नी है। दूजी गल पशु के अंदर जो जान पल रही है उन्हें यही देखना भी उसकी माँ को जान है या नहीं है उसकी माँ ने डाइट खाधी है कि नहीं उन्हें तो आपका खिंची जाना डाइट जो पशु के अंदर वो माँ के अंदर होना इस करके पशु के अंदर उसकी कपैसिटी के दुध की कपैसिटी के हिसाब नाल वो चीज़ उन्होंने देनी चाहिए। हाँ उदू बाद वाइटामिन जरूर दो क्योंकि वाइटामिन कोई पशुओं के थणा की कोई माड़ी मोटी गलबात होंगी है कोई टिशू रिपेयर करना कोई सैल टुटिया भज्जा हों अंदरला लेवे का वो सैट कर देता है तो प्रोपर ढंग लेवे या उदिया नाड़ा थणा प्रोपर मेनटेन कर दिता हुंदा एक तरह का विटामिन है वह तो विटामिन का सीधा रिच सोर्स हैगा सतावर विटामिन एच थोनू बाजार चो 900-1100 रुपए लगभग लीटर मिलेगा एक किलो कह लो एक लीटर मिलेगा तो जेनू आप सीधे रूप के लेने सतावर तो तकरीबन 200-250 रुपये किलो थोनू सतावर सीधा मिल जूगा वह दलिए रिन्न के दे दो। पशु की खुराक उदा डाइट उदी कदे भी टुटन ना दो जेडे पशु तो दुध लेना कैल्शियम कदे भी पशु नू सून तो पहला ना दो पशु नू खुराक दो तो थोड़ा जा ना देने की बजाय पशु नू खुराक जरूर दो पर उदे च एक चीज़ का ध्यान रखना भी जो सानू अवेलेबल सस्ते रूप च मिल जाता वो चीज़ दे दो जिवें मैं थोनू कहा भी कणक सानू सस्ती अवेलेबल अपने घर आप पशु ने फसल आई तो रख लें मक्की सस्ती मिल जाती है वह बाजरा सस्ता मिल गया जा आप फाइबर बहुत होंदा तो ठंडा भी कह लो तो जौ पा सकते हैं आप उस चीज़ जानी पशु नू जो आप एक नियत क्वांटिटी दे विच चारा देना दली अपना फीड देनी आ वह चीज़ दो आपदे हाथ नाल दो बाहरलियां बनिया बनाइया कंपनियां दे उत्ते ना जाओ क्योंकि यह कंपनियां वाली चीज़ा ने जिहड़ियां
इफेक्ट करदियां ज़्यादातर एच एफ गऊआं दे उत्ते ज़्यादा कारगर रह जांदियां ने, पर जिहड़ियां मझां जां देसी गऊआं ने उहनां ते उन्नियां कारगर नहीं रहिंदियां। अपणियां इह देसी पशुआं वास्ते, मझां जां देसी गऊआं वास्ते तां अपणियां देसी खुराकां ही कम करनगियां, क्योंकि पशुआं दी जो बॉडी स्ट्रक्चर आ अपने पशुआं दी उस बनी ही कुदरत ने अपने मौसम के हिसाब नाल, अपने वातावरण के हिसाब नाल, अपने रहन सहन दे, अपनी धरती के ढंग नाल बनाया। जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां ते असर करना उही असर उन्होंने करना उन्हां दी बॉडी ते करना, ना कि दूजे पासे। जिवें आपां पंजाब दी गल करिए तां पंजाब दे विच थोड़ा जिहा खाणा पीणा जां धरती वधिया खुल्ला, तां इत्थे पंजाब दे लोक थोड़े जे सेहत पक्षों हैल्दी मिल जाणगे। हरियाणा भी अपने च ही आउंदा। तो जे आप राजस्थान वल जाइए उत्थे धरतियां उन्नियां उपजाऊ फसलां उस हिसाब दियां नहीं हैगियां, उन्हां दे शरीर कहरे जे शरीर ने, छांटवें शरीर ने। आपां पहाड़ां वल जाइए उन्हां कोल इन्ने पैदावार इन्नी नहीं हुंदी, साधन नहीं हुंदे, उन्हां दा तोरा फेरा बहुत आ, उन्हां दे शरीर बड़े पतले जे ते छोटे छोटे कद्दां दे, है ना। जानी कुदरत ने हरेक चीज़ हरेक खिते दे हिसाब नाल मेनटेन करी हुई आ। अपने देसी गऊआं जां अपने अपणियां मझां भी उस हिसाब नाल ही मेनटेन होणगियां अपने देसी खाने खा के। इसलिए बस ये चीज़ा ने तो ये आपां गौर च रखनिया पैनिया। थोड़ा जहा पशु पिछा कढ़दा तां उस चीज़ का भी ध्यान रखना पऊगा सानू, तो किसी का कोई थाना खड़ा हैगा या कोई दिक्कत ने। चीज़ा सानू पशुआ दे उपर उन्हां दवाइयां दा इफेक्ट ना पवे, वह तो चंगी गल आ। तो पशुआ नू बीमार होण तो बचाओ। मझां ने जिहड़ियां इन्हां नू जे सूण तो पहला किसी तरह का थोड़ा जहा लंबा ट्रीटमेंट चल जाता या कोई तेज़ डोज़ लग जाती आ, तां ये आने वाले समय के दुध नहीं देनगियां उन्ना जिन्ना इन्हां नू देना चाहिए। हुण आ जाओ उस तो बाद दे विचो अपने आम धारणा बनी हुई है भी पशु सूण वाला हैगा तां इहनू 2-4 किलो 5 किलो सरों का तेल चार दिए। तां इस गल दे विच एक चीज़ लॉजिक दी गल ये हैगी आ, देखो थोड़ा जिहा सानू ढंग नाल सोचना पऊ, टैक्नीकल सानू होना पऊगा। कुछ पशु दुध नाल घिओ वधदे ने, कुछ पशु सरों दे तेल नाल घिओ वधदे ने। सानू साडे पशु बारे पता होना चाहिए भी वह किहड़ी चीज़ उहते इफेक्ट करदी आ। जे पशु नू घिओ चाहिए, घिओ नाल दुध वधदा देसी देसी घिओ नाल, तां उहदों उह देसी घिओ ही गऊ उहनू पशु नू दिओ। ते जेकर पशु सरों दा तेल खा के दुध वधदा हैगा तां उहनू सूण तों पहलां 4-5 किलो सरों दा तेल जरूर चारो। तो ये चीज़ा हाँ एक गल जरूर आ, बहुत पुरानी गल मैनू किसी ने गल कही सीगी, बई जे मझ आ जे मझ हैगी उहनू घिओ चारना पै गया तां उहनू देसी गऊ दा घिओ चारो, ते जे देसी गऊ नू चारना तां उहनू मझ दा घिओ चारो। जानी क्रॉस पाओ दे ते उवें जे ना पाओ, वो चीज़ का जिहड़ा रिजल्ट ने वो होर भी ज़्यादा बेस्ट होणगे। कम तो मझ दा मझ ते भी करजू, गऊ दा गऊ ते भी करजू, पर जे आपां क्रॉस पा के करदे आ तां उहदे असर होर भी ज़्यादा पॉजिटिव होणगे। ते बाकी देखो जिन्ना चिर आपां अपने पशु दे नेड़े खड़ के उन्हूं हरा चारा दाणा नहीं पाउंदे, उहते हथ नहीं फेरदे, आपां पशु दीआं हरकतां नहीं समझदे, उन्ना चिर आपां पशु पालण विच कामयाब नहीं हो सकदे। ये नहीं हुंदा भी आपां ने हरे दा टोकरा सिट्टिया जां दाणा पाता ते धार कढ ली अपनी ड्यूटी खत्म आ। आपां नूं पशु दीआं गल्लां भावनावां जिवें आपां अपने बच्चिआं दीआं समझदे आ, उह कहिंदे आ ना भी मां प्यो नूं पता लग जांदा बच्चे दी की लोड़ आ, उस तरह ही जिन्ना चिर आप अपने पशु की कुत्ता बिल्ला गऊ मझ घोड़ा जो भी आपने पालतू पशु घर रखे जिन्ना चिर आप आदत नहीं समझेंगे उन्ना चिर आप उस चीज़ के बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने जिन्हें असी ले सकते। इस करके सारिया गल्लां सानू ध्यान च रखनिया पैनिया, ता ही रिजल्ट अच्छे आने, ता ही साड़िया मेहनतों नू फल लगेगा। उम्मीद करदा तुहानू वीडियो पसंद आई होगी, तो दस्यो भी रिकमेंड करके सारे। धन्यवाद आई, सत श्री अकाल।